हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे हमारी यहाँ पर जो आईआर की सीरीज हमारी चल रही थी, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पार्ट रहता है आपके लिए, आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी, और कई बार प्री रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस सीरीज में आपके सामने पॉइंट्स में लेकर आए चीजें, ठीक है, जो की कंसेप्ट हैं उनको आपके साथ डिस्कस करें ताकि आपकी क्लैरिटी बन सके। कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो आपके प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर अभी जो हम चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, अक्सर न्यूज़पेपर में जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें दोस्तों ऐसी आती हैं जो हम नहीं समझ पाते, जो टर्म्स हम नहीं समझ पाते। अगर उन टर्म्स की क्लैरिटी हमारी बनी हुई है तो और ज्यादा इजी हो जाता है जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, अपनी मेंस की आंसर राइटिंग जब हम करेंगे तो उसमें हमको वो हेल्पफुल रहती है। अभी तक हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज में न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया। उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, जैसे कि हमने 1-2-3 एग्रीमेंट को डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को डिस्कस किया था, एनएसजी को आपके डिस्कस किया था। एनएसजी में से मैंने आपको बताया था जो प्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं, और 1-2-3 एग्रीमेंट भी आपका जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आपका रहता है, ठीक है। ये आपको अगर की कॉन्सेप्ट्स आपको ये नॉलेज में है तो जब आप अपना आंसर लिखोगे तो वहां पर आप ये हाईलाइट कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो भी अभी हम न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, एटम्स फॉर पीस। ये टर्म भी आप जब भी कोई न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड या न्यूक्लियर ट्रेड रिलेटेड या न्यूक्लियर डिप्लोमेसी रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आता है तो ये टर्म काफी बार जो है आर्टिकल्स में यूज की जाती है, चाहे वो आपके एडिटोरियल्स हो या फिर वो न्यूज हो, तो ये टर्म अक्सर यूज की जाती है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि इस टर्म का बैकग्राउंड क्या है। देखिए, बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं होता कि हर चीज आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाए, लेकिन कुछ चीजों का अगर आपको ज्ञान हो, अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन हो, तो जब आप आंसर लिखते हो तो अपने आप एग्जामिनर को आइडिया लग जाता है कि इस बच्चे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, इस बच्चे को आइडिया है। अब जो ये सब हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो 1-2-3 एग्रीमेंट हो, एनएसजी हो या एटम्स फॉर पीस हो, हमारा यहाँ पर गोल ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ चले जाएं। हम अपनी डिस्कशन को जनरल स्टडीज के पॉइंट तक जो है सीमित रखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं जाते, हम जितना कंसेप्ट आपके जनरल स्टडीज में इंपॉर्टेंट हो उतना ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम्स फॉर पीस, इसका ओरिजिनेशन क्या है, कहां से ये टर्म ओरिजिन हुआ। चलिए, तो जो एटम्स फॉर पीस आपकी टर्म है, इसका ओरिजिन हुआ यूएस के एक प्रेसिडेंट ने स्पीच दी थी 1953 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, वहां पर इन्होंने इस टर्म का यूज किया। उन प्रेसिडेंट का नाम क्या था, ड्वाइट आइजनहावर, ठीक है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ड्वाइट आइजनहावर का आप नाम याद रखें, लेकिन अगर मैं बात करूं पीसफुल यूज ऑफ एनर्जी की, अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि पीसफुल यूज ऑफ एनर्जी के ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो आप इस एटम्स फॉर पीस टर्म को वहां पर यूज कर सकते हैं। आप इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी ट्रेसेस इट्स बैकग्राउंड फ्रॉम द स्पीच ऑफ यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर इन द यूनाइटेड जनरल असेंबली इन 1953, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस उस चीज उन चीजों में, उन मेंस पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस में आप इस तरह की जो आपकी नॉलेज है उसको यूज कर सकते हैं, और ऐसी न्यूज अक्सर आपको जो है एक अपर हैंड देगी, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि बच्चे न्यूज़पेपर में इन टर्म्स को पढ़ तो लेते हैं पर इसका बैकग्राउंड क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तो आपको एक एज मिलेगा ही। तो इस स्पीच ने सिर्फ ये हाईलाइट नहीं किया कि न्यूक्लियर एनर्जी इस दुनिया के लिए कितनी ज्यादा डेंजरस है, जो न्यूक्लियर पावर्स बन रही थी, हम सब जानते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एक कोल्ड वॉर का एरा जो है चल रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर ये दोनों ही देश
जो है न्यूक्लियर रेस में लग चुके थे, न्यूक्लियर आर्म्स रेस में लग चुके थे। तो ऐसे समय पर, ऐसे एक नाजुक समय पर यूएस के प्रेसिडेंट ने ये बोला कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन इसका पीसफुल यूज करना वो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी डेंजरस तो है, पर दुनिया की फ्यूचर नीड्स, दुनिया की फ्यूचर एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो इस प्रोग्राम के थ्रू हुआ क्या? अब देखिए, कोल्ड वॉर में यूएस और यूएसएसआर दोनों जो है वो एलाइज जीतने की कोशिश कर रहे थे, दोनों जो है दुनिया के जो बाकी देश हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो यूएस भी कुछ ऐसे ही प्रयास कर रहा था। तो एटम्स फॉर पीस उन्होंने एक जो है कंसेप्ट दिया दुनिया को, और इसमें यूएस ने बोला कि हम ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज का साथ देंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे ताकि वो न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज कर सकें और अपनी डेवलपमेंट को और ज्यादा तेज कर सकें। ठीक है, इसी वजह से यूएस ने काफी जो उनकी न्यूक्लियर क्लासिफाइड मटीरियल था उसको डीक्लासिफाई किया और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पसेस के लिए ट्रांसफर करना शुरू किया। और इस चीज से इंडिया, पाकिस्तान, ईरान जैसे जो देश हैं उन्होंने बहुत ज्यादा एडवांटेज उठाई और अपने पीसफुल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को बिल्डअप करना शुरू किया। तो अगर अब मैं आपसे ये कहूं कि ये जो एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम था यूएस का, इससे इंडिया को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। ठीक है, हम जानते हैं कि तारापुर जो प्रोजेक्ट है उसमें यूएस ने इंडिया को हेल्प किया। तो इस तरह के प्रोग्राम्स से, जब कोल्ड वॉर में देखिए, कोल्ड वॉर के समय यूएस और यूएसएसआर दोनों अपने अपने प्रोग्राम्स चला रहे थे ताकि वो अलाइज को जीत सके। तो इन प्रोग्राम्स से अल्टीमेटली जो फायदा हुआ वो किनको हुआ? वो हुआ आपके डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, जिनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, उन देशों को इस चीज से बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। क्लियर है ये पॉइंट? तो अब इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज आपने देखिए प्री में नहीं पूछा जाएगा, ये प्री स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें प्री में कोई क्वेश्चन आएगा तो लीस्ट चांसेस है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको अपने मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है, जीएस पेपर 2 में यूज कर सकते हो, जीएस 2 में यूज कर सकते हो, अगर ऐसे आ जाता है कोई न्यूक्लियर एनर्जी पे वहां पर इसको यूज कर सकते हो, कर सकते हो ना, कि आप एक बैकग्राउंड लिख दोगे, एक आप बैकग्राउंड दे दोगे और ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें, आपको दो लाइंस में आपको इसका बैकग्राउंड देना है अगर आप दोगे तो। क्लियर, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें फ्रेंड्स, समझ गए? अब अगर मैं यहां पर बात करूं एथिकल कंसर्न्स की, तो आप एथिकल कंसर्न्स में भी इसको यूज कर सकते हो। एक एथिक्स में भी आपका यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो इतनी ज्यादा न्यूक्लियर आर्म रेस हो रही है या जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं, चाहे वो पीसफुल एनर्जी के लिए है, क्या वो एथिकल ग्राउंड पे सही है? जो न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए आप देखें कि बड़ी बड़े जगहों को एक्वायर करना पड़ता है सरकार को, जिसकी वजह से आपकी जो पॉपुलेशन है उसको वहां से हटाना पड़ता है। तो आप कनेक्टिविटी, ये आपकी क्रिएटिविटी है, ये आपका टैलेंट है, और ये क्रिएटिविटी तभी आती है जब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का बैकग्राउंड पता हो। न्यूज़पेपर में अक्सर ये टर्म रहती है पर इसके कोई कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर ये मेन पर्पज इस वीडियो का यही था ताकि आपको एटम फॉर पीस का कंसेप्ट समझा दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का। इसके अलावा मैं आपसे एक बात शेयर ये करना चाहूंगा जल्दी से, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि प्रिपरेशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से अभी पीडिया जो है आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करता है, यूट्यूब का एक शेड्यूल प्रोवाइड करता है जिसपे हम रेगुलरली आपको दिन में कम से कम 4 वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, और उन 4 वीडियोस में ऐसे ही कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। ठीक है, तो उसका जो शेड्यूल है, आपका यूट्यूब शेड्यूल है, वो आपको यूट्यूब के अभी पीडिया का जो चैनल है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे अभी पीडिया, तो अभी पीडिया का अगर आप चैनल खोलेंगे तो अभी पीडिया चैनल के कम्युनिटी में आप जाएंगे, वहां पर आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, हम ये वीक टू वीक शेड्यूल अपडेट करते हैं स्टूडेंट की नीड्स के हिसाब से, स्टूडेंट को जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये शेड्यूल जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप, और वीडियोस उसी टाइम पे मिलेंगी तो आपको पूरा दिन जो है ऑनलाइन बैठे रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इजीली आप उस टाइम पे जाइए, वीडियो देखिए और अपना काम खत्म कीजिए। इसके लिए एक मैं सलाह आपको और दूंगा, एज ए टीचर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पर एम जो है चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, सब्सक्राइब करने का एम ये है कि हम जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो शेड्यूल्ड चीजें जो होती हैं वो मिस हो जाती हैं, तो सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ही होगा
कि आपको जब भी वीडियो डलेगी साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसी टाइम जाकर वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होंगी, एक एक कंसेप्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, हार्डली 10-15 मिनट्स की हर वीडियो होगी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, तैयारी पूरे जोरों शोरों से जोर लगा दो, और प्रीलिम्स अब ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।